नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। केवीएस टीजीटी के क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट्स बना के करिएगा। फर्स्ट ये रिमेनिंग क्वेश्चन है, अ मॉस्फेट विद वीडीएस इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट कैरीज अ ड्रेन करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इन सैचुरेशन। ड्रेन करंट कितना है? 1 मिली एम्पियर है, ठीक है। इफ चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन LCM, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन जो है दैट इज CLM, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर्स लैम्डा इज इक्वल टू 0.2 पर वोल्ट है, देन द ड्रेन करंट निकालनी है हमें, ठीक है। ड्रेन करंट निकालनी है इफ VDS इज इक्वल टू 1 वोल्ट। देखो, ड्रेन करंट फॉर अ मॉस्फेट क्या होता है? इन सेचुरेशन अगर मुझे निकालना हो तो क्या होता है? ID इज इक्वल टू म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाय 2L इंटू VGS माइनस VT का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस लेमडा ऑफ VDS। ये फॉर्मूला होता है। तो लेमडा क्या होता है? चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर, दिस इज कॉल्ड चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर। तो जब हम यहाँ से निकालेंगे तो ID1 अपॉन ID2 इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा VDS1 अपॉन 1 प्लस लेमडा VDS2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे विच इम्प्लाइज जो ID2 की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 प्लस लेमडा VDS2 अपॉन 1 प्लस लेमडा VDS1 इंटू I ऑफ D1, यही होती है। अब इसमें जब आप वैल्यूज रखोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 0.2 इंटू VDS, ये ID1 है, यहाँ जो VDS1 है ये 0.5 वोल्ट है और जो VDS2 है 1 वोल्ट। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखो इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 0.2 इंटू VDS1 कितना है? 0.5 इंटू ID1 कितना है? 1 मिली एम्पियर। तो ये वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 0.2 बाय 1 प्लस 0.1 इंटू 1 मिली एम्पियर, ठीक है। 1.2 बाय 1.1 इंटू 1 मिली एम्पियर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 बाय 11 इंटू 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो 12 बाय 11 फर्स्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, ये फॉर्मूला है और इससे आपको निकालना है। नेक्स्ट है, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इज स्लाइटली, रिलेटिव परमेबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है। क्यों? पैरामैग्नेटिक रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मटीरियल परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टू दी, नहीं, इट इज़ डिफाइंड एज मटीरियल परमेबिलिटी टू दी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स आर सब्सटेंसेस विच आर पुअरली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, विच आर पुअरली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स का एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है या परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जब आप अप्लाइड फील्ड, व्हेन द अप्लाइड फील्ड इज रिमूव्ड देन पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स टेंड टू लूज देयर मैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिक मटीरियल का जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है मोर देन 1 होता है। व्हेन अ पैरामैग्नेटिक मटीरियल सच एज, जैसे आपका प्लैटिनम है, ये एक पैरामैग्नेटिक मटीरियल है, राइट। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब आप इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, ठीक है, इट बिकम्स स्लाइटली मैग्नेटाइज्ड, इट बिकम्स स्लाइटली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन है आपका, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जैसे आयरन है, तो इट डज नॉट हैव अ कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी, इसकी कोई भी कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हेंसमेंट मोड इज प्रेजेंट इन मॉस्फेट, कैसे? इन्हेंसमेंट मोड में क्या होता है? देयर इज नो इनबिल्ट चैनल, नो इनबिल्ट चैनल होता है, नो इनबिल्ट चैनल इज प्रेजेंट एज वी अप्लाई वोल्टेज एट द गेट टर्मिनल, वन चैनल नियर द गेट टर्मिनल स्टार्ट्स इन्हांसिंग
एज वी अप्लाई गेट वोल्टेज एट वन टर्मिनल देन वन चैनल नियर द गेट टर्मिनल स्टार्ट्स इन्हांसिंग. तो दिस टाइप ऑफ मॉसफेट कैन ओनली वर्क इन इन्हांसमेंट मोड. ठीक है, डिप्लीशन मोड में क्या होता है? डिप्लीशन मोड जो होता है, देखो डिप्लीशन मोड जैसे होता है, डिप्लीशन मोड में क्या होता है, चैनल चैनल इज ऑलरेडी डिफ्यूज्ड, चैनल इज ऑलरेडी डिफ्यूज्ड बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स. ठीक है, आइदर आइदर एन और पी चैनल. ठीक है, इन इन्हांसमेंट मोड चैनल को हम क्रिएट करते हैं. इन्हांसमेंट मोड में क्या होता है, चैनल इज क्रिएटेड, चैनल इज क्रिएटेड व्हेन द गेट वोल्टेज, व्हेन द गेट वोल्टेज रीचेज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू हियर इन जेफेट दैट चैनल इज ऑलरेडी प्रेजेंट. देखिए डिप्लीशन में चैनल इज ऑलरेडी डिफ्यूज्ड बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, आइदर एन चैनल और पी चैनल. इन्हांसमेंट में चैनल हैज टू बी क्रिएटेड बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स व्हेन द गेट वोल्टेज रीचेज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू. ठीक है, एंड इन्हांसमेंट मोड में कोई भी इनबिल्ट चैनल नहीं होता है. एज वी अप्लाई द वोल्टेज एट द गेट, जैसे ही हम गेट टर्मिनल पे वोल्टेज लगाएंगे, वन चैनल नियर द गेट टर्मिनल वो बढ़ता रहेगा. तो जो एक तो डिप्लीशन मॉसफेट में क्या होता है, वन चैनल इज इंसर्टेड नियर द गेट टर्मिनल एट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिवाइस. डी टाइप में व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द गेट टर्मिनल, व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द गेट टर्मिनल इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द टाइप वेदर एन चैनल और पी चैनल, इट्स चैनल विड्थ कैन बी चेंज्ड. तो ये जो आपका डिप्लीशन मॉसफेट हेड कैन वर्क इन बोथ इन्हांसमेंट मोड एंड डिप्लीशन, जो मॉसफेट हेड कैन वर्क इन बोथ डिप्लीशन एंड इन्हांसमेंट. लेकिन जो आपका ये डी मॉसफेट है, इसमें चैनल को ऑलरेडी डिफ्यूज करते हैं, वोल्टेज को या तो पॉजिटिव या नेगेटिव लगाते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज एन चैनल और पी चैनल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द मटीरियल हैज़ NTC नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस देन द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. हम किसकी बात कर रहे हैं, द टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस. टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर. पॉजिटिव कॉफिशियंट फॉर अ मटीरियल, पॉजिटिव कॉफिशियंट अगर हमें PTCR है, तो इट मीन्स इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इट रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो सेमी कंडक्टर मटीरियल्स जो होते हैं आपके, जैसे कार्बन है, सिलिकन है, जर्मेनियम है, इनका NTCR होता है. ठीक है, तो इसीलिए ये डिक्रीज करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ SSB मॉड्यूलेशन, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म. हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन विच ओनली सिंगल साइड बैंड इज ट्रांसमिटेड, ओनली सिंगल साइड बैंड इज ट्रांसमिटेड थ्रू चैनल. ठीक है, एंड इट रिक्वायर्स बैंडविड्थ, इट रिक्वायर्स बैंडविड्थ विच इज एट लीस्ट अमंग ऑल द एम्पलीट्यूड, इट जो कि लीस्ट बैंडविड्थ चाहिए, इट रिक्वायर्स लीस्ट FM, लीस्ट बैंडविड्थ चाहिए इसको. तो जो S ऑफ SSBT है वो होता है AC/2 MT cos 2πfct प्लस माइनस AC/2 MHT sin 2πfct. ठीक है, तो जनरेशन ऑफ SSB में क्या होता है, एक फिल्टर मेथड होता है और एक फेज शिफ्ट मेथड होता है, एक फेज शिफ्ट मेथड होता है. तो फेज शिफ्ट मेथड में हम हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल्स इज 180 डिग्री देन द लिजार्जस पैटर्न विल बी. देखिए पहली बात तो मैं आपको कुछ बताती हूँ, जैसे ये है आपका फेज एंगल और यहाँ पे ये है आपका लिजार्जस पैटर्न है. अब इसमें आप देखो ये 0 और 360 डिग्री है, तो यहाँ पे इसका पैटर्न कैसे बनेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन. 30 डिग्री है और 330 डिग्री है, तो यहाँ पे एक इलिप्टिकल बनेगा, राइट. 60 डिग्री है और 360 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, थोड़ा सा लिटिल बिट सर्कुलर ऐसा. ठीक है, 90 डिग्री है और 270 डिग्री है, तो इसका क्या होगा, सर्कुलर होगा. ठीक है, 120 डिग्री है और 240 डिग्री है, इसका क्या होगा,
ऐसे, फिर 150 डिग्री है और 210 डिग्री है, अगेन ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, फिर 180 डिग्री है तो इसका ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लिजार्जस पैटर्न विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद अ मेजर एक्सिस इन द सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। यहाँ देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडीज आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग गैलियम आर्सेनाइड। एलईडी एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड होता है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल सेमीकंडक्टर डायोड। इट एम्प्लॉयज गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फॉस्फाइड पीएन जंक्शन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन पीएन जंक्शन। तो कॉमन टाइप ऑफ एलईडीज आर ऑपरेटेड एट अ फॉरवर्ड बायस ऑफ 1 वोल्ट टू 3 वोल्ट। फॉरवर्ड बायस पे एलईडी जो होते हैं ऑपरेट करते हैं एंड दे एमिट लाइट एट अ करंट ऑफ 10 टू 15 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये होगा, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ये क्या है बताइए। इस क्वेश्चन में क्लैम्पर सर्किट कैन बी डिफाइंड एज अ सर्किट दैट कंसिस्ट्स ऑफ ए डायोड, ओके, अ रेजिस्टर, अ कैपेसिटर, ठीक है, दैट शिफ्ट्स द वेवफॉर्म टू द डिजायर्ड डीसी लेवल विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल अपीयरेंस ऑफ अप्लाइड सिग्नल। इसमें आप देखिए क्लैम्पिंग सर्किट जो होता है, ये क्लैम्पर है, इट रीस्टोर्स डीसी लेवल व्हेन अ नेगेटिव पीक ऑफ द सिग्नल इज रेज्ड अबव द जीरो लेवल एंड द सिग्नल इज सेट टू बी पॉजिटिवली क्लैम्प्ड, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव क्लैम्पर है तो इसीलिए ये आएगा, ठीक है। इट रिस्टोर्स द डीसी लेवल, जब भी आपका कोई नेगेटिव पीक होगा इट इज रेज्ड अबव जीरो लेवल, तो सिग्नल को पॉजिटिवली क्लैम्प्ड बोलते हैं। सिग्नल इज पॉजिटिवली क्लैम्प्ड, ठीक है, ओके, चलिए, ठीक है। तो क्लैम्पर जो होता है इट जस्ट शिफ्ट्स द वेवफॉर्म टू द डिजायर्ड डीसी लेवल विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल अपीयरेंस ऑफ ए अप्लाइड सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट नंबर ऑफ स्टेबल स्टेट्स डज एन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हैज। जीरो, जीरो होती है बिकॉज इट इज अ सर्किट दैट ऑटोमेटिकली स्विचेस बिटवीन टू स्टेट्स कंटिन्यूसली विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल पल्स, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल पल्स फॉर इट्स ऑपरेशन। इसकी कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती, इट हैज नो स्टेबल स्टेट एट दिस, एज दिस प्रोड्यूसेस अ कंटिन्यूअस स्क्वायर वेव आउटपुट, इट इज कॉल्ड अ फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द ओपन सर्किट गिवन इन फिगर लोड करंट IL इज, देखिए इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन लग रही है, वोल्टेज एट पॉजिटिव पिन एंड वोल्टेज एट नेगेटिव पिन आर इक्वल। अब यहाँ देखिए आपका जो पॉइंट है, यहाँ मैंने मान ला ये V है और ये भी V है, तो V माइनस VS अपॉन R1, V माइनस VS अपॉन R1 प्लस V माइनस V0 अपॉन R1 इक्वल टू जीरो, ट्वाइस V माइनस V0 इज इक्वल टू VS। अब हम KCL अगर एट पॉजिटिव पिन लगाएंगे तो क्या होगा बताओ, V अपॉन R2 प्लस IL प्लस और क्या होगा, V माइनस V0 अपॉन R2।
वी अपॉन आर टू प्लस आई एल प्लस वी माइनस वी नॉट अपॉन आर टू इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वैल्यू कितनी होगी, ट्वाइस वी माइनस वी नॉट अपॉन आर टू इज इक्वल टू आई एल। ठीक है, नॉट प्लस ट्वाइस वी माइनस वी सॉरी प्लस आई एल इक्वल टू ज़ीरो, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। एंड यहाँ पे ट्वाइस वी माइनस वी नॉट, अगर देखें ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी सेकेंड बाई सेकेंड इक्वेशन, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी वी एस अपॉन आर टू प्लस आई एल इक्वल टू ज़ीरो। तो आई एल की वैल्यू माइनस वी एस अपॉन आर टू, तो ये वैल्यू इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ये तीन तीन के ग्रुप्स बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 010101110, तो ये कितना हो गया 2, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, ठीक है, तो ये 256 बेस 8 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्फेट इज़ यूज्ड फॉर हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया भी था मॉस्फेट एक यूनिपोलर डिवाइस होता है, करंट थ्रू इट इज़ डन बाय मेजॉरिटी कैरियर्स नॉट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, मॉस्फेट का लेसर टर्न ऑफ टाइम होता है, इसका लेसर टर्न ऑफ टाइम होता है एंड इनेबलिंग देम टू ऑपरेट एट हायर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज, हायर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है। तो मॉस्फेट का लोएस्ट स्विचिंग ऑफ टाइम होता है, इसका लोएस्ट स्विचिंग ऑफ टाइम होता है, ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ नानो सेकेंड्स। ठीक है, बीजेटी का टर्न ऑफ टाइम इन द ऑर्डर ऑफ नानो सेकेंड्स टू माइक्रो सेकेंड्स होता है। हाई ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होता है, देखो जो मॉस्फेट होता है इसका लेसर टर्न ऑफ टाइम होता है, हाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, लोएस्ट स्विचिंग ऑफ टाइम होता है, ठीक है, हायर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब 100 किलो हर्ट्ज तक होती है, हाई ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होता है एंड हायर कंडक्शन लॉस होता है, ठीक है, स्मॉलर टर्न ऑफ टाइम होता है, तो इसीलिए ये होगा। नेक्स्ट है, एन एनवेलप डिटेक्टर इज यूज इन द जनरेशन ऑफ DSBSC सिग्नल। जब देखिए इसमें आपको पता ही होगा ये C होगा और ये R होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए व्हेन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 तो सिंक्रोनस डिटेक्शन इज यूज्ड। तो AM डिटेक्टर इंप्लॉयज एन एनवेलप डिटेक्टर जो कि एक लो पास फिल्टर होता है, इट इज़ एन असिंक्रोनस डिटेक्टर, ये असिंक्रोनस डिटेक्टर होता है एंड जहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो आउटपुट ऑफ द एनवेलप डिटेक्टर फॉलोज द एनवेलप ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक है, इसीलिए DSBSC सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज द आउटपुट वोल्टेज फॉर द सर्किट बिलो फॉर V1 VI इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा MT। देखिए ये आपका क्या है, इस क्वेश्चन में ये जो है इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक है पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट एंड प्लस पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे ब्रेक हो जाएगा, इतना जो पॉइंट होगा ये होगा पॉजिटिव क्लैम्पर का, ठीक है, और इतना जो पॉइंट होगा ये होगा पॉजिटिव पीक डिटेक्टर का, तो ये प्लस माइनस है। तो वी आउटपुट पहले केस में कितना हो जाएगा, ट्वाइस वी इनपुट, यानी कि ट्वाइस पॉजिटिव क्लैम्पर है ना, तो यहाँ पे चार्जिंग में हो जाएगा, तो ट्वाइस वी एम साइन ओमेगा टी, तो पीक वैल्यू जो आउटपुट वोल्टेज की होगी ट्वाइस वी एम हो जाएगी। ठीक है, दिस तो पॉजिटिव क्लैम्पर क्या करता है आपका, पॉजिटिव क्लैम्पर यही होता है ना, जैसे ये आपका सिग्नल है, ठीक है, ये माइनस वी एम है, ये प्लस वी एम है, तो इसका जो हो जाएगा जब आप क्लैम्पर लगाओगे इसमें, ट्वाइस वी एम है, ठीक है, और ये जो है आपका पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट है विच ओनली डिटेक्ट्स द पॉजिटिव पीक वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल एंड प्रोवाइड्स इट इन द आउटपुट। ठीक है,
तो यहाँ पे इतना होगा ट्वाइस वी एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ई टी इज़ अ डिवाइस विच हैज़ हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड इज़ वोल्टेज कंट्रोल्ड। ये आपको पता ही है, करंट इज़ कंट्रोल्ड बाय द रिवर्स बायस अक्रॉस अप्लाइड गेट टर्मिनल, करंट इज ओनली ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर्स, नो थर्मल रन अवे। हाई इनपुट इम्पिडेंस क्यों होता है? ड्यू टू रिवर्स बायस्ड गेट टर्मिनल, नो थर्मल रन अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो आप केसीएल में जब आप लगाओगे, ये जीरो है यहाँ पे, तो इधर आप देखो ये वोल्टेज इधर ही आ गया टू, तो जीरो माइनस टू अपॉन आर इज इक्वल टू टू माइनस वी नॉट अपॉन टू आर, तो माइनस टू अपॉन आर इज इक्वल टू टू माइनस वी नॉट अपॉन टू आर, तो ये वैल्यू कितनी होगी? माइनस फोर इक्वल टू टू माइनस वी नॉट, तो वी नॉट इज इक्वल टू टू प्लस फोर, तो डैट मीन सिक्स वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉड्यूलेशन टेक्निक यूजेज द मिनिमम चैनल बैंडविड्थ एंड ट्रांसमिटेड पावर ऑन इट्स मॉड्यूलेशन, एसएसबी। पता ही है ना, एसएसबी के लिए डज नॉट मैटर वेदर द यूएसबी और एलएसबी इज यूज, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन बोथ। ठीक है, तो एसएसबी में ओनली वन साइड बैंड इज नेसेसरी फॉर ट्रांसमिशन, ओके, इन्फॉर्मेशन, इससे बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट रिड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल इनपुट गेट इन विच इनपुट एंड आउटपुट आर सेम, उसको हम क्या बोलते हैं? बफर बोलते हैं। बफर क्यों बोलते हैं? ऐसे जैसे ये है, बफर हैज ओनली अ सिंगल इनपुट एंड अ सिंगल आउटपुट विद बिहेवियर दैट इज द अपोजिट ऑफ नॉट गेट, इट सिंपली पासेस इट्स इनपुट अनचेंज्ड टू इट्स आउटपुट, तो इनपुट ही ट्रांसफर हो रहा है ना। द थ्री टर्मिनल्स ऑफ एस सी आर आर एनोड, कैथोड एंड गेट। ठीक है, इट इज़ अ डिवाइस दैट हैज़ फोर लेयर्स एंड थ्री पी एन जंक्शन, पता है ना आपको, इसकी फोर लेयर्स होती हैं। यहाँ पे ये एनोड है, कैथोड है, यहाँ पे ये गेट है, गेट टू है, ये कैथोड गेट है, और यहाँ पे ये है, ये गेट है एनोड। ठीक है, तो द एस सी आर कंसिस्ट्स ऑफ फोर लेयर्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स विच फॉर्म एन पी एन पी और पी एन पी एन स्ट्रक्चर्स, इनके थ्री पी एन जंक्शन होते हैं लेबल जे वन जे टू एंड जे थ्री, राइट। तो एनोड टर्मिनल ऑफ एन एस सी आर इज कनेक्टेड टू दी पी टाइप मटीरियल, यहाँ पे देखिए ये पी से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड द कैथोड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दी एन टाइप लेयर, वाइल द गेट ऑफ द एस सी आर इज कनेक्टेड टू दी पी टाइप मटीरियल नियरेस्ट टू दी कैथोड। ठीक है, अब इतना ज़्यादा मुझे अभी समझाना नहीं है, मैं आपको कभी फिर से बताऊंगी, क्योंकि फिर बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ ए साइनसोइडल वेव हैविंग मैक्सिमम वोल्टेज वैल्यू ऑफ 520 वोल्ट, बताइए क्या होगा? वी आउटपुट एवरेज, इसकी वैल्यू होती है आपकी, जैसे वी आउटपुट एवरेज है ट्वाइस वी एम अपॉन पाई, तो वी आर एम एस होती है वी एम अपॉन रूट टू, तो वी आउटपुट जो एवरेज हो जाएगी वो हो जाएगी 2 इंटू 520 अपॉन पाई, तो ये वैल्यू 330.72 वोल्ट होगी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।